मैं ग्राम उदया की रहने वाली हूँ और जिला ब्लॉक बार जिला ललितपुर। पहले हम लोग कुछ नहीं जानते थे, घर में कैद ही रहते थे, ना पढ़ते थे ना लिखते थे, कुछ नहीं कहते थे, गांव से बाहर भी नहीं जा पाते थे। अगर हम बाहर गए तो मोहल्ला वाले कहते थे कि नहीं आवारा है, कुछ नहीं जानते और घर में ही रहने देते थे। इन लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, औरतों को, लड़कियों को कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर जब हमारे यहाँ तरंग परियोजना चली तो मौसमा दीदी आई तो हम लोगों को उनने समझाया बहुत अच्छे से, तब हम लोगों को पता चला कि हाँ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, हम लोग भी आगे बढ़ सकते। और जब गतिशीलता के बारे में जब हम लोगों ने सोचा तो हमने अपने दादाजी से बात की और उन्होंने हाँ समझी भी बात हमारी कि नहीं इन लोगों को करना चाहिए। और फिर हमें उन्होंने बाइक चलाना सिखाया। जब हम चलाने लगे तो हमारे यहाँ की बहुत सी लड़कियों हमारे पीछे आई और फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों को दिया। और हम लोगों ने जब प्रयास किया और फिर हमारे यहाँ एक बाल विवाह भी हो रहा था, बहुत से हो रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ जुड़ा तब उस लड़की का बाल विवाह हम लोगों ने मौसमा दीदी के साथ रुकवाया। और रुकवाने के बाद उसकी मम्मी पापा से बोला तो वो कहने लगे कि नहीं हम अब आगे पढ़ाएंगे, लड़की को पढ़ाएंगे। और तब भी फिर भी उस लड़की ने भी माना नहीं, तब वो भी ऐसी जब देहात में रहती तो वो वही के काम करेगी, लेकिन नहीं उन लोगों ने माना। और प्रयास करने के बाद हमारे यहाँ अब सब लड़कियाँ बाहर निकलने लगी, गतिशीलता के बारे में जानने लगी, पढ़ने लिखने लगी, हर कुछ करने लगी।